Hello, welcome again in my YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss about osmosis. Okay, so my dear students, we are going to discuss about transport in plants. जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 क्लास 11th का पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में आज का जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑस्मोसिस। अगर मैं ऑस्मोसिस की आपको एक जनरल पिक्चर दूं स्टूडेंट्स, तो ऑस्मोसिस के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो ऑस्मोसिस है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और यहाँ पर क्या होगा, सेमी परमेबल मैम्ब्रेन होगी थ्रू SPM। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन लगभग सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होती है और सेमी परमेबल मैम्ब्रेन के थ्रू होगी, जबकि डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है और लिक्विड्स में भी होता है। ओके, सो ऑस्मोसिस की बात करेंगे, द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन, हेंस इट इज नॉट ए बैरियर टू मूवमेंट। इन प्लांट सेल्स यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड हुज कंटेंट द वैक्यूलर सैप कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ। प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है और जो टोनोप्लास्ट है, ये सारे के सारे मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोसिस, ये कैसा टर्म है जिसको कि मैंने आपको बताया, दिस रिफर्स टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स एंड द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन प्रेशर के ग्रेडियंट पे और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जब मैंने आपको ये पॉइंट बताया तो आप हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे ये हमारा टूवर्ड्स द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जो वाटर का मूवमेंट होगा रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। एट इक्विलिब्रियम टू चैम्बर शुड हैव नियरली द सेम, इक्विलिब्रियम पे दोनों चैम्बर का सेम वाटर पोटेंशियल होगा। यू हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर, आपने पोटैटो ऑस्मोमीटर अर्लियर क्लासेस में स्कूल्स में देखा होगा। इफ द पोटैटो ट्यूबर, अगर आप पोटैटो की जो ट्यूबर है उसको आप उसको प्लेस कर दें अगर वाटर में, सपोज आपने प्लेस कर दिया वाटर में, तो क्या होगा, द वॉटर एंटर्स इन द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर एंटर करने लगेगा। ठीक है, स्टडी फिगर 11.3 इन विच टू चैम्बर्स ए बी, ये एक फिगर दिया हुआ है, देखिए एक मॉलिक्यूल एक फिगर दिया है जहाँ पे ए है और बी है। ठीक है, यहाँ पे बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में होना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, सो बेसिक पॉइंट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा हायर केमिकल पोटेंशियल से, मीन्स जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ वाटर कम होगा। ठीक है, तो ये वाटर है ब्लू वाला और ये सॉल्यूट है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ होगा, बी टू ए होगा। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, और सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, कि जो वाटर को अपटेक करने की क्षमता है वो ज्यादा होगी। वाटर को अपटेक करने की क्षमता कब ज्यादा होगी, जब सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो पूछा है कि कौन से चैम्बर में लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, तो लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल वहां पर होगा जहां पर साई एस की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इस रिलेशन के टर्म से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो प्लाज्मोलिसिस होगा कल के लेक्चर में। उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक टर्म हम लोग का स्किप हो रहा था। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज द साई पी,
ये तो ऑस्मोटिक मतलब प्रेशर पोटेंशियल है ये, साई इज प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब वाटर पोटेंशियल एक तरह, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑस्मोसिस। यू हैव टू रिमेम्बर ओनली फ्यू पॉइंट्स, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कल दोबारा हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट्स अपने नए लेक्चर के साथ। हम लोग नया डिस्कशन करेंगे प्लाज्मोलिसिस के ऊपर, और प्लाज्मोलिसिस के साथ ही साथ मैं आपको डी प्लाज्मोलिसिस, फ्लैसिड और टर्जिडिटी के बारे में भी बताऊंगी। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।